पहले रोड बाद में वोट ऐसे नारे लगाकर जन समस्याओं से त्रस्त ग्रामीणों ने नहीं किया मतदान। सैकड़ों ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया, जमकर विरोध किया। सड़क नाले खंडजे और तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ग्रामीण जवा इलाके के सूरजपुर गांव का मामला बताया गया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, जो आपने वोट नहीं डाला, किस कारण की वजह से वोट नहीं डाला है? हमारे गाँव में कोई रास्ता नहीं है। रास्ता कब से नहीं है? तो आपने इसके बारे में कहीं शिकायत वगैरह की? आगे क्या योजना है आपकी, क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? अभी वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? अभी तक कितने वोट पड़ चुके हैं? कोई वोट नहीं पड़े, एक भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पे कोई आया आपकी जान पे इसके लिए? क्या क्या गए भाई? कुछ भी नहीं, वोट डालो सब हो जाएगा, कोई नहीं। पहले भी वादे हो गए, इलेक्शन से पहले भी वादे हो गए, कोई बात नहीं है। कई बार मीटिंग हो चुकी है गांव में, कुछ भी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? देवेश कुमार। क्या नाम है आपका? शिशुपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, जो आपने चुनावी बहिष्कार किया है, किस वजह से किया है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे गांव की कोई भी मेन रास्ता, सारी कनेक्टिव बंद है, सारी रास्ताएं बंद, ब्लॉक कर दिया रेलवे ने, और इसलिए हम गांव के लोग काफी परेशान है रास्ते के लिए। कोई भी हमारा मेन रास्ता किसी रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं। तो आपने कहीं इसकी शिकायतें वगैरह की? हाँ, शिकायतें डीएम साहब से भी की है, एसडीएम से भी की है, और सांसद जी है उनसे भी की है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? त्रिलोक सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, जो आप वोट नहीं डाले, किस कारण की वजह से वोट नहीं डाले? ये हमारे यहाँ कोई आदमी अगर बीमार हो जाएगा तो एम्बुलेंस हमारे घर तक नहीं आएगी, रोड तक जाएंगे जब तक आदमी मर जाएगा, रास्ता नहीं। क्या नाम है आपका? मीरपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सूरजपुर। अच्छा, ये बताइए मीरपाल जी, जो आपने वोट नहीं डाले, किन वजह से वोट नहीं डाले हैं? इसलिए नहीं डाला, हम ये समस्या रास्ता ही हमारे यहाँ बहुत काफी दिनों से है। हम रेलवे डीआरएम के पास भी गए और डीएम साहब के भी पास गए और एसडीएम पास गए, तहसील भी गए, मतलब ब्लॉक में भी कहा, लेकिन यहाँ कोई भी रास्ता की सुनता ही नहीं है। हम पांच वर्ष जो है सांसद और उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनता है। तो अभी आप यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह आए थे? आए थे। कौन आया था? एसडीएम गोहाना भी आए थे और कोतवाली भी आई थी और एक और थे वो जो है इंटेलिजेंसी के भी थे लोग, तो ये यही कह रहे थे कि वोट डालो भाई, सब काम का, सब रास्ता का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई नहीं सुनता है। सब कहने का यही है, तो कितने दिन से रास्ता आपका बंद है? एक रास्ता तो रेलवे ने मतलब दो तीन महीने से बंद कर दिया है। पहले क्रॉस करते थे लाइन, लेकिन अब लाइन भी क्रॉस नहीं हो रही। भूसा लाने के लिए, अनाज लाने के लिए, सभी के लिए परेशानियां, आवागमन के लिए। और शादी कल दो हुई है, दोनों शादियों में 6 लोग जो है घायल हो गए हैं गाड़ी पलटने पर। तो बाहर बेटी भी पिता करिए बैठा।